हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है सनी डे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गुड़गांव में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया। मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाहर, देख रहे हो धूप कितना तेज़ धूप है। अभी सुबह का टाइम है और धूप इतना ज़्यादा तेज़ है। और बस वही, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है, पहले से ज़्यादा आजकल डर बैठ गया, क्योंकि ऑफिस में भी उनका पॉजिटिव निकला है केसेस कोरोना का, और इधर हम लोग का सोसाइटी में भी कल एक निकला है। तो बस वही, बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है, लेकिन क्या करें, इससे इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। बस वही, ऑफिस वफिस तो करना ही पड़ेगा, बाहर तो निकल नहीं पड़ेगा, तो वही हम लोग को अभी उसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। बस अपने आप को सेफ रखो, प्रोटेक्ट करो, जितना सेफ्टी लेना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए उतना लेके अभी क्या करें, ऐसे ही करना पड़ेगा, ज़िंदगी को ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो बस वही, रेगुलर डे आज भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग एक, और एक आज कुछ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे चैनल में आजकल मैं ब्लॉग के साथ साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और उतना ब्लॉग मेरा प्रॉपरली सुबह से रात तक हो नहीं पाता है, क्योंकि मेरा दोनों ही बच्चे इतने छोटे हैं। तो होप बाद में मैं कर लूँगी धीरे धीरे करके, और आप लोग का सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ गाइज, अगर मेरा चैनल अच्छा लगेगा आप लोग को वीडियो, देन प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, तो मैं दिखाती हूँ क्या बनाती हूँ आज। शायद मैं डोसा बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मैं साउथ इंडियन ही खिला के भेजी थी। और वही डोसा बनाऊँगी, पाही भी अभी उठेगी, उसको भी नहला दूँगी। मैं नहा ली, फ्रेश हो गई, क्योंकि इतना गर्मी है ना, सुबह सुबह नहाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इतना ज़्यादा गर्मी लगता है। और दिन में आजकल गर्मी का दिन में तो 3-4 बार मेरा हो जाता है नहाना। और आप लोग से एक बात पूछनी है मुझे, जैसे कि आप लोग को थंबनेल देख के पता ही चल रहा होगा कि मुझे आप लोग से एक इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करनी है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आसाम से हूँ और मैं असमीज़ हूँ, तो इसलिए मैं जब ये चैनल स्टार्ट की थी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं कौन सा लैंग्वेज में ज़्यादा बात करूँगी, या फिर मैंने सोचा दोनों ही लैंग्वेज को बैलेंस करके ऐसे मतलब मैं वीडियो डालूँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, कि एक अगर वीडियो आप एसएमएस में दोगे, दूसरा वीडियो आप हिंदी में दोगे, तो लोगों के साथ इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ही लैंग्वेज को कंटिन्यू रखना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आसाम के लोगों को तो हिंदी पता ही है, समझ जाते हैं, और वो लोग को ये भी पता है कि मैं असमीज हूँ, तो मैंने सोचा कि वो लोग अपनाएंगे इस चीज़ को। इसलिए मैंने यहाँ के जो, जैसे कि आप लोग को पता है मैं गुड़गांव में रहती हूँ, यहाँ के फ्रेंड्स को एसएमएस नहीं पता है, तो इसलिए मैं हिंदी में ये ब्लॉग ज़्यादा करना मतलब स्टार्ट किया। एसएमएस में मैंने ज़्यादा नहीं किया, 3-4 वीडियो ही होगा मेरा। तो अभी कुछ कुछ लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि आप हिंदी में क्यों एसएमएस में अपना ब्लॉग को मतलब करो, जो वीडियोस आप बनाते हो वो एसएमएस में बनाओ, एसएमएस में करो, तब आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, और या फिर लोगों से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो यही बात मैं आप लोग से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये ठीक है, क्योंकि आप जब एक ब्लॉग चैनल खोलने जाते हो तो बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर होता है, कि क्योंकि आजकल हर घर में 2-3 लोग एक एक चैनल खोल के बैठे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सबका ग्रो करे या फिर सबका मतलब अच्छा चैनल चले ना। ये एक पैशन होता है, मेरा भी एक है सोशल साइड में रहने का, लोगों के साथ कनेक्ट करने का, लोगों के साथ बातें करने का, मेरा पहले से ही बहुत वो रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग चैनल खोली हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा ना कि मुझे कितना लोग देख रहे हैं, कितना लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का, कि आप लोग कुछ सीख पाओ मेरे से, या फिर कुकिंग हो, या फिर बच्चों का पढ़ाने का हो, सिखाने का हो, बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए वो हो, या फिर एक स्माइल मैं लाना चाहती हूँ आप लोग के फेस में ना। अगर आप बहुत स्ट्रेस भरी दिन आप मतलब बिता चुके हो, और रात को अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो एक स्माइल आ जाए आपकी फेस पे, आप खुश रहो। इसलिए मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे ये एसएमएस में ये ब्लॉग अभी आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी 3 मंथ्स ही हुआ है मेरा ये चैनल ओपन करते हुए। तो अगर मुझे करना है तो मुझे अभी करना पड़े,
बाद में मेरा बाहर का फ्रेंड्स सब भी हो जाएगा, तो मुझे चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ जो लोग मुझे देख रहे हैं या फिर मुझे पसंद करते हैं तो सजेस्ट करोगे आप लोग तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस वही पूछना था। तो चलिए और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ, तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ कपकेक। तो कपकेक का रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये एकदम बहुत ही स्पंजी टेस्टी, एक्स्ट्रा स्पंजी टेस्टी एक केक है। तो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा केक बनाना पड़ता है, तो मैं सोचा कि ये केक की रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और जो रेगुलर एग होता है वो दो मैंने लेके अच्छे से उसको व्हिस्कर की मदद से फेंट लिया है। अगर आपके पास व्हिस्कर नहीं है तो काटा चम्मच जो फोर्क होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं अभी हाफ कप रिफाइंड ऑयल ले लूँगी, आप उसके जगह पे बटर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं आजकल बहुत ज़्यादा केक बनाती हूँ तो इसलिए मैं बटर उतना यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो ज़्यादातर मैं रिफाइंड ऑयल से ही बनाती हूँ, तो टेस्ट का उतना कुछ फ़र्क नहीं लगता है मुझे। तो अभी मैं थोड़ा सा वेनिला एसन, करीब 4 ड्रॉप मैंने वेनिला एसन और थोड़ा सा कलर दे दिया, करीब 3 ड्रॉप्स मैंने कलर दे दिया ऑरेंज कलर, क्योंकि थोड़ा सा कलरिंग होगा तब ये कपकेक। अभी मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। दोनों का काम अलग अलग होता है तो दोनों ही मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम ना रहे, अच्छे से ये फ्लफ़ी एक वो हो जाए। अभी मैं इसमें 1 कप जो पीसी हुई चीनी है, आप आइसिंग शुगर का भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास आइसिंग शुगर नहीं है तो मैं रेगुलर चीनी को ही पीस लिया। उसके बाद मैं 1 बड़ा चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून दही मिला रही हूँ। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो आपका केक को एक्स्ट्रा फ्लफ़ी, एक्स्ट्रा स्पंजी बना देगा, तो इसके लिए मैंने वो यूज़ किया। अभी मैं 1-1 करके 2 कप जो मैदा होता है वो मैदा मैं इसमें मिला दूँगी। अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये ऐसा होना चाहिए बिस्कुट, बिल्कुल इसका बैटर का, इसका कंसिस्टेंसी। ऐसे होने के बाद मैंने कप जो कपकेक का ट्रे होता है उसमें सजा लिया, उसको लेके अच्छे से 15 मिनट बेक कर लिया। बेक करने के बाद ये ऐसा हो गया देखने में। अभी दूसरा वाला प्लेट भी मैं बेक कर रही हूँ, करने के बाद ये भी ऐसा हो गया है। देखिए मैं अभी आप लोग को डिमोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये कितना स्पंजी, कितना टेस्टी केक बना है। ये देखिए मैं एक प्लास्टिक का एक चूड़ी ले लिया, उसके बाद इसको निकाल रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्पंजी है। तो ये ज़रूर आप लोग ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत ही टेस्टी केक होता है। ये अच्छे से आसानी से निकल आया है, देखिए कितना अच्छे से। मैंने उसमें कुछ कागज़ या बटर पेपर का भी यूज़ नहीं किया, फिर भी इतना अच्छे से निकल के आया है और कितना टेस्टी ये केक है। तो ज़रूर ट्राई करना और बताना मुझे। हे गाइस, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, पाही का भी नाश्ता हो गया और मैंने एक रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर किया। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोग को कैसा लगा वो रेसिपी देख के, और ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी। और अभी मैं एक नोट करने के लिए बैठी थी, कुछ बातें मुझे याद आता है तो मैं नोट करके रख देती हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बातें भूलने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। तो मुझे इसी बहाने एक बात याद आ गया कि कल भी मेरा एक फ्रेंड ने ये बात शेयर किया एक्चुअली उसका ब्लॉग चैनल में, तो मैं सोची हूँ मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। जो हम लोग आजकल एक ऐसा हो गया है ना, चाइनीज़ चीज़ों से हम लोग बंधे हुए हैं, तो हम लोग को वो चीज़ों को हटाना चाहिए अभी अपनी ज़िंदगी से, उसको अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, हम लोग को इंडियन चीज़ों को अपनानी चाहिए। तो मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन आज ही मेरा एक मैंने बलून ऑर्डर किया था, और मतलब मेरी बेटी का बर्थडे है 19 को, और मैंने नहीं देखा था कि वहाँ पे कहाँ का है वो बनाया हुआ। तो जब मैंने रिसीव किया तब मैंने देखा कि मेड इन चाइना, बट कोई उपाय नहीं है, अभी उसी को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी उस चीज़ों को कि मैं ना, जितना हो सके, जितना पॉसिबल है मैं ना खरीदूँ,
तो आप लोग को भी मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को फॉलो करो, जितना हो सके चाइनीज़ चीज़ को आप ना लो, ना खरीदो, ना यूज़ करो, उतना ही बेहतर होगा। और जितना भी सेलर्स है उन लोग को भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी सेल नहीं करोगे तो लोग भी नहीं खरीदेंगे, तो ट्राई करो आप लोग भी कि ना आप लोग रखो ऐसा चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, आजकल की दुनिया में, आजकल की फैशन में जो है ट्रेंडिंग में टिकटॉक, और मुझे आप सच मानो तो मुझे लाइकी का बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जो टिकटॉक का ही वर्जन है, इंडियन वर्जन ना, मुझे नहीं पता था। इसलिए मैंने ऐसा एक चीज़ लिया जो मैं उस चीज़ से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ एक्चुअली, तो इसलिए मैंने ऐसा वो टिकटॉक मैंने मतलब इंस्टॉल किया था अपने फ़ोन में, तो अभी मैं उसको अनइंस्टॉल कर दी हूँ। सो आई होप आप लोग भी, फिंगर क्रॉस्ड, आप लोग भी अपना फ़ोन से टिकटॉक को हटा दो और लाइकी को डाउनलोड कर लो। और लाइकी भी सेम काम करता है, ऐसा नहीं है कि लाइकी कुछ अलग है, नहीं है, सेम ही है। सो लाइकी आप अपना लो, लाइकी को यूज़ करो, और आप लोग चाहो मुझे फॉलो करना उधर, मेरा वीडियोस देखना, तो मेरा नाम दीपा मुनि गोस्वामी सर्च करने से मिल जाएगा। और मैं आप लोग के साथ साथ यही भी बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, तब मैं आप लोग के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगी। मतलब मेरा वीडियोस वगैरह देखना, आप लोग का छोटा छोटा जो होता है, जो यूट्यूब के लिए नहीं, हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जो वीडियोस बनाते हैं अपनी खुशी के लिए, जैसे कि लाइकी हो, टिकटॉक हो, जो टिकटॉक पहले करता था, या फिर कुछ भी एक, जैसे कि हम लोग नहीं डाल सकते हैं ना यूट्यूब में क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा या ऐसा कुछ, लेकिन हम लोग इंस्टाग्राम में तो डालते हैं उसको, तो वो सब मैं भी देख पाऊँगी और आप लोग भी मेरा देख पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो और मैं भी आप लोग को फॉलो करूँगी श्योर। हेलो बोलो। हेलो एवरीवन, दीदी जैसे बोलती है, हेलो गाइस बोलो। हे गाइस, हम लोग का लंच हो गया है, अभी खाना वाना खा के मैं रूम में आ गई हूँ, अभी पाही और कुही को सुलाना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ, तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो ज़रूर बताना और मेरा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।